देखते हैं दोस्तों क्या ये बनाने जा रहे हैं ऑयल पेंटिंग के साथ। सबसे पहले इसने बनाया आसमान, आसमान में नीला रंग भर है। हम बनाने जा रहे हैं बादल बनाएंगे इसके बाद। बादल बना रहे हैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं। दरख्त लगता बनाने जा रहे हैं। बैकग्राउंड पैनल बना रहे हैं इसके बाद इसमें डिटेलिंग करेगा। इसमें इसके स्टैंड में भी ट्री बनाए, ट्री बनाने के बाद इसमें ये लीव्स बनाने जा रहे हैं। कलर बना इसमें ब्रांचेस बना रहे क्या बात है। ब्रांचेस ये कम से कम एक दिन कब तक रखना होगा इसको बनाते हुए पूरी 24 घंटे लगे होंगे क्योंकि इतनी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और वीडियो को पूरा देखना। स्टैंड लाइन जो है क्या बात, फुल डिटेल कर रहा है, छोटी छोटी चीजें बना रहा है। राउंड ब्रश है इसके बाद छोटा सा चीन नैनो नैनो राउंड ब्रश शेडिंग कर रहा है अभी ताकि ऐसे लगे कि रियल है, तो रोशनी पड़ रही है एक साइड से और ऐसे लगे जैसे कि रियल है, रियलिस्टिक है ये पेंटिंग जैसे। कमाल की पेंटिंग है, क्या बात है। ब्रांचेज में कलर पा रहे हैं अब डिटेलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा चेंज कर रहे कलर लाइट का आएगा इसलिए वो थोड़ा लाइट कर रहा है, लाइट ग्रीन ऐड कर रहा है। इसमें थोड़ी फीलिंग थी वो बढ़ेगा इसमें बाद में। ये ब्रांचेज ठीक है, ब्रांचेस ब्रांचेस बनने के बाद इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग ब्रांचेस बना रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस बनाए जा रहे हैं जिसमें एम्प्टी स्पेसेस थोड़ी थोड़ी छोड़नी ताकि बैकग्राउंड जो आसमान नीले रंग का वो भी दिखे ऐसे लगेगा जैसे रियल है। पहले उसने ब्राउन कलर पड़ा था नीचे स्टैंड में, अब थोड़ा डिफरेंट कर रहा था ताकि रियल लगे। डिटेलिंग कर रहा है तो हम नीचे वाली ब्रांचेस बना रहा है, नीचे वाली ब्रांचेस जो नीचे वाली स्टेम थी मेन स्टेम उसमें थोड़ा डिफरेंट किया उसमें कलर
और इसमें डिटेलिंग कर रहा है। क्या हुआ फोर लेक्स के लिए ऐसे ही लग रहा जैसे रियल रियल जैसे कैमरे के साथ खींची हो। एक्सीलेंट वर्क है सच्ची। अब बैकग्राउंड में जो माउंटेन है वो बनाने जा रहा है। ये जद रखा था पीछे दूर माउंटेन के पास वो बना है। इसके सामने ग्राउंड है ग्राउंड में कलर करेगा। ग्राउंड में कल कर रहा है। क्या बात है। ये जो बैकग्राउंड में दरख्त है उसमें थोड़ा डिफरेंट है डार्क ग्रीन कलर किया है इसने ताकि जो शेड पड़े और ऊपर इसमें लाइट ग्रीन करेगा कलर या येलो कलर मिक्स करके वो बनाएगा। ये घास बना रहा है नीचे अब इसमें लीव्स बनाएगा। क्या बात है। ये ना कलर फिल कर रहा है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेगा इसमें ताकि वो जो उसके साथ अटैच हो रहे हैं ब्रांचेस उसमें डिफरेंस आए दूसरे पौधों के साथ जो ट्रीज के साथ उसके लीव्स लग रहे हैं वो डिफरेंट है। गुड वर्क सच्ची। अब उसके आगे थोड़ा सा बना रहा है ताकि डिफरेंट पौधे लगे। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्रैश बोर्ड। देखते हैं दोस्तों क्या ये बनाने जा रहे हैं ऑयल पेंटिंग के साथ। सबसे पहले इसने बनाया आसमान आसमान में नीला रंग भर रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं बादल बनाए हैं इसके बाद बादल बना रहा है। बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है। दरख्त लगता है बनाने जा रहा है। ये बैकग्राउंड पहले बना रहा है ना इसके बाद इसमें डिटेलिंग करेगा। अब इसने इसके स्टेम बना लिए ट्री बनाए। ट्री बनाने के बाद इसमें ये लीव्स बनाने जा रहा है। कलर बना इसमें लीव्स